सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अ DS ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, जानते होंगे यार ये डोमिनार है जो बजाज डोमिनार 400 के। देन आप मेरी ये आपको पता नहीं होगा बट ये मेरी फर्स्ट राइड है डोमिनार के ऊपर। और मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से रिव्यू लिया है कि ये मतलब बहुत ही OP एंड नेक्स्ट लेवल स्पीड वाली बाइक है, जो बजट में लोगों के लिए एक सुपर बाइक लेने का जिनका सपना होता है उस पर आ जाती है। वैसे सुपर बाइक पूरी तरीके से सुपर बाइक नहीं है, बट ये है कि हम इसको 40% या 50% तक सुपर बाइक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि इसका जो पिकअप है वो चेक करने के लिए राइड पे आए हैं। और ये बाइक मेरी नहीं है, एक्चुअली मेरी बाइक वो है जो आगे पल्सर चल रही है साइड में, ये मोनू भाई है हमारे, इनकी है ये डोमिनार 400 के 400 cc वाली बाइक। एंड मैंने अपनी पल्सर इनको दी है एंड उनने बोला कि कोई नहीं आप चला लो, आपकी मर्जी, आप ब्लॉग बना रहे हो तो आप कर सकते हो, तो मैंने इसी लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, एक यहाँ पे टॉप मारते हैं, तो विल्ली मारते हैं। सो लेट्स सेट गो। तो भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो बड़ी OP और नेक्स्ट लेवल बाइक है, मतलब बहुत ही OP बाइक है। तो इतनी तगड़ी स्पीड इसके अंदर, इस बाइक के अंदर कभी मैंने सोच भी नहीं सकता था इतनी तगड़ी स्पीड इस बाइक के अंदर होगी। दिल खुश कर दिया, मतलब फर्स्ट गियर में ही मैंने देखा 80+ चली गई फर्स्ट गियर में। यार फर्स्ट गियर में तो मेरी पल्सर भी नहीं जाती, पल्सर तो हंसते जाती तो 60 तक जा पाती, लास्ट 60 भी मुश्किल जाती, 40-50 तक जाएगी बस, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। लेकिन यार ये तो मान गया मैं, लोगों ने जो रिव्यू मेरे को बताया है कि भाई ये OP है, एकदम नेक्स्ट लेवल बाइक चलती है। और देन ये तो सच में ही नेक्स्ट लेवल चलती है एक तरीके से, और बहुत ही OP है ये बाइक। तो मतलब देखो यार, मतलब मैं पीछे बैठा हूँ, विनय भाई मेरे पीछे बैठे हैं, और विनय भाई मतलब जैसे मैंने एकदम से पिकअप दिया इसके अंदर, रेस दी, सो पीछे मेरी बॉडी एकदम पीछे हो गए और पीछे विनय भाई बैठे थे वो भी एकदम से पीछे हो गए, मतलब क्या बात है। वाह क्या रोल, बोलो यार अगर ऐसी बाइक मुझे मिल जाए तो क्या बात है। बट कोई नहीं, भगवान ने दुआ चाही तो क्या कहते हैं, भगवान दुआ करते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर ले लेंगे। बट ये तो बड़ी ही नेक्स्ट लेवल बाइक है, एकदम OP, एकदम हाई लेवल। सो मोनू भाई कुछ कह रहे हैं, मैं उनकी बात थोड़ी सुन लेता हूँ एंड देन आगे मिलते हैं वॉइस पे। आपने गाइस देखा अभी पीछे कैसे लोग थे, और मैंने थोड़ा सा हॉर्न भी दिया, हॉर्न मैंने बजाया बट इसमें सिंगल हॉर्न, तो मैंने मोनू भाई को बोला कि भाई इसमें डबल हॉर्न तो लगवा लो कम से कम। वो बोले भाई पापा मना कर रहे हैं हॉर्न लगवाने के लिए, बोले जैसी बाइक है वैसी ही रहने दो, ज़्यादा मॉडिफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वैसे बात तो सही है, अगर बाइक जितनी सिंपल अच्छी लगे उतनी ही बेटर है। मैं भी अपनी पल्सर में ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ अपनी पल्सर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कराई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ब्लू कलर के एंटीकेटर्स। वैसे तो चला नहीं इनका, बट मैंने अपने शौक़ के लिए करवाया, वो मैं चेंज करवा दूँगा, मुझे सिर्फ शौक के लिए चाहिए थी, जो मैंने शौक, अब वही बात है ना, शौक पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद फिर चीज़ नॉर्मल ही लगती है, फिर वो बेकार से लगती है, शौक पूरा होने के बाद। वैसे ही है, तो अभी हम लोग उस जगह पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे मतलब पूरा फुल खाली रोड है। सो वहाँ पे जाके एकदम इसकी टॉप, मतलब टॉप पे तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि इतना लॉन्ग रूट भी नहीं है, लॉन्ग रूट है बट इतना भी लॉन्ग नहीं है कि हम लोग इसके टॉप पे पहुँच जाएँ, बट इतना तो है कि हो जाएगा
ही पहुँच जाएंगे। बाकी ये बजाज की ब्रांडिंग है, मैं आपको दिखा दूँगी, डोमिनार की बजाज की ब्रांडिंग है, जो कि ब्रांडिंग आती थी यहाँ पे, अभी मैंने आपको दिखाई थी। सो अभी हम निकलते हैं इससे आगे, राइट ओके, कहाँ गए मोहन भाई, ना लगे, अच्छा मेरे मेरे को लगा लगे, चलो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई यार, 80 टच कर रहे हो तो यार कुछ सोचते भी नहीं है यार, ये क्या है गाड़ी, ये मतलब 80 टच होने के लिए कुछ सोचेगी भी नहीं कि 80 टच हो रही हूँ मैं, ये वो तो 80 टच होने के लिए सोचती भी नहीं कि हाँ भाई मैं 80 टच हो रही हूँ, मुझे छोड़ दो तो जूम, बस हल्का सा क्लच एक्सलेटर दो, ये तो 80 प्लस पहुँचने में बस इसको टाइम नहीं, मतलब ये खुद चाहती है कि मुझे कोई भगाए। मोनू भाई इतनी तेज़ नहीं चलाते, वो अपना धीरे भाई चलाते हैं, बट ये चाहती है खुद की कोई इसको इतना तेज भगाए। सो अब मोनू भाई इधर चलते हैं, इधर पूरा रूट खा लिए, चलो हाँ डन डन, चलो मोनू भाई लेफ्ट लेफ्ट, हाँ डन डन डन, चलो ओपी नेक्स्ट लेवल, घूम ये ओ भाई, ओए विनय भाई पकड़ ले, ओए ओ भाई, ओ भाई 90 100 100 प्लस 100 120, ओ भाई यहाँ पे कम करनी पड़ गई हमें, ओ भाई फिर नेक्स्ट लेवल, ओ भाई ओ भाई ओ अभी 130 135 140, क्या सीन है, कहाँ जाएगी ये, कहाँ उड़ के जाएगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ लेके जाएगी ये गाड़ी, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। ओ भाई यहाँ तो कंट्रोल होना मुश्किल है, जैसा कट बना रखा है ये, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना मुश्किल ही है, कैसे कंट्रोल होगी, ये पुलिस क्या कर रही है, अरे वो लोगों की गाड़ी तो रुकी है, मैं तो भाई अभी भगा रहा हूँ, अरे सर मैं गाड़ी रुकी है, नहीं नहीं हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ फंसना नहीं है, हम तो चले अपने घर, हमें चलते हैं अपने घर, चलो 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 भगाओ 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 यहाँ से भगाओ भगाओ निकलो, क्योंकि पुलिस वाले अगर पकड़ लेते हैं तो फिर सीन क्रिएट होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सीन क्रिएट होता है, तो पुलिस वाले अगर पकड़ लेते हैं तो आपको पता ही है चालान फाड़ना क्योंकि अभी अलाउ नहीं है बाइक लेके, बट हम फिर भी और भला ही बाइक लेके अपना निकल के, तो अलाउ है नहीं बाइक लेके कहीं भी आना जाना। सर पल्सर पीछे से बहुत छेड़ती है, पीछे के बंदा बैठ, अगर बैठ के बंदा चला रहा है पीछे साइड से, बैक साइड से देखो तो एक अलग ही लुक होती है पल्सर, बहुत अच्छी बात है। पर डोमिनार भी यार अच्छी है, डोमिनार भी ख़राब नहीं है, डोमिनार भी एक तरीके से एक नेक्स्ट लेवल ही चलती है, डोमिनार भी अलग तरीके से बिल्कुल, और जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, ओ भाई ब्रेकर तो सही चल रही है, और तरीका मतलब क्या बताऊँ, इसमें सस्पेंशन इस बाइक की बहुत बेटर है, बहुत बेटर पुलिस वाले यार, ये कुछ नहीं होगी, चलो ये कुछ नहीं होगी, चलो बाय बाय चलो। सो इसकी जो मैं बता रहा था आपको सस्पेंशन की बहुत अच्छी है, सिक्स गियर स्पीड मतलब सिक्स गियर स्पीड इसका बॉक्स है, एंड जो बैठने की कंफर्टेबलनेस है वो भी बहुत अच्छी है। भाई बता रहे थे मैं गांव गया था, 500 किलोमीटर मैं चलाता ले गया था, मेरे को 80 ले गए थे, 3 या 4 घंटे लगे थे बस मेरे को बाइक ने पहुंचा दिया, क्योंकि मैं एक्सप्रेस हाईवे से गया था, और हो सकता है मान सकता हूं क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे इतना यमुना एक्सप्रेस हाईवे आपने सुना होगा आज भी वो बहुत ही स्पीड में चलता है, तो अरे राम चलो, तो ऐसा रोड होता है कि वो सीधा सीधा मतलब कितनी भी उड़ा के खींच के ले जाओ गाड़ी, वो उन्होंने वही करा है। तो अभी हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी उड़ा के गाड़ी, सोच रहे थोड़ी उड़ाने के लिए, नहीं अभी देखेंगे चलो। तो इसकी सस्पेंशन बहुत बेस्ट है, बैठने का बैक साइड पे बैठने का, फ्रंट साइड पे जो आगे ड्राइवर बैठा है ड्राइवर सीट पे वो बैठने का बैठ, और सस्पेंशन गियर बॉक्स मतलब फुट रेस्ट पैर रखने वाला भी बहुत बेटर है, देन इसके हैंडल्स कंट्रोलिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, और इसके जो ब्रेकिंग है वो तो ओपी है भाई साहब, ओपी एकदम ओपी है, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो तो एकदम ओपी जिसे कहते हैं वो है, कि बिल्कुल अलग है चलने में, और इसकी जो ब्रेक मैंने मतलब यूज़ करा है क्योंकि मैं चला रहा था तेज में, फिर मैंने एकदम से ब्रेक भी यूज़ मारी है, तो ब्रेक भी बहुत मतलब एंड लेवल है जिसे कहते हैं ना एंड लेवल, वो है इसकी ब्रेक भी, क्योंकि डबल डबल डिस्क है विथ ABS ट्विन ABS, तो उसमें तो ऑब्वियसली है कितना तो बनता ही है। सो हम मिलते हैं थोड़ा आगे, एक छोटा सा ब्रेक, सो आप वीडियो देखते रहो एंड लाइक करो गाइस, मेरे को आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूवर्स आते हैं देखते हैं अच्छी बात है, देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करके इसको फैलाओ, क्योंकि मैंने अभी भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैं होपली ये चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग इसमें मुझे हेल्प करें देन मेरी वीडियो को फैलाएं देन मेरे चैनल को बढ़ाएं। आप लोगों से आपका छोटा भाई सिर्फ एक आपका छोटा भाई एक दोस्त यही सिर्फ रिक्वेस्ट करता है कि यही हो और कुछ नहीं, बाकी आप करोगे तो आपका एक लाइक करोगे तो आपका
भगवान भला करे, मेरा भला हो जाएगा बहुत अच्छा। एक लाइक एक सब्सक्राइब से बहुत भला होता है, वो मेरा हो जाएगा यार। मैं तो यही चाह रहा हूँ, बस आप कर दीजिए और कुछ नहीं। देन अब तो यहाँ पे खाली रूट है, देखते हैं। अभी खाली रूट नहीं मिल रहा है जिससे कि हम लोग ज़्यादा उठी भगा पाएँ गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोड रश वगैरह है, तो इसलिए कम भगा पा सकते हैं गाड़ी। लेकिन इतना है कि अभी आगे जाके थोड़ा सा खाली रूट मिल जाएगा, जैसे ही आगे खाली जाके रूट मिलता है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा उड़ा दे गाड़ी को एक बार फिर से, क्योंकि भी घर पहुंचने वाले, तो घर जाने से पहले पहले सोच रहे हैं कि एक बार तो उड़ा ही जाए। देखते हैं उड़ा पाते हैं नहीं, रोड मिलता है तो जरूर उड़ाएंगे। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई ड्राइविंग करते टाइम बहुत सेफ्टी की ज़रूरत होती है। मेरे पीछे देखो विनय भाई बैठे हैं, और देखो हाथ मिरर में आपको देख रहे होंगे, वो तो मुझे पकड़ के बैठे हुए बुरी तरीके से कि कहीं वो उड़ ना जाए, क्योंकि ये बाइक ही ऐसी है कि कहीं वो उड़ ना जाए। विनय भाई का यही डर लगता है मुझे कि वो उड़े ना, उसको भी डर लग रहा है। और एक्चुअली आपको एक बात कहूँ तो विनय भाई के हेलमेट का शीशा वो निकल चुका आया था, पता नहीं कहाँ। वो बोल रहे भाई पता नहीं चल रहा कहाँ निकल गया, इतनी हाई स्पीड में एकदम सोई, वो पता नहीं कैसे एकदम से टूट भी गया और निकल भी गया। सो अब देखते हैं। बाकी मैंने विनय भाई को सॉरी बोल दिया, मैंने कह दिया विनय भाई जब मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम तब लेता हुआ आऊँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो लेता हुआ आऊँगा। तो ट्रैफिक, नहीं, रेड लाइट की। सो सोच रहे हैं कि अरे खाली रूट आ गए, अरे वहाँ तो भगाने बनता बनता है। मोनू भाई तो भाग ले गए पीछे, चलो मोनू भाई आ रहे। ये ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, 100, ओ भाई 120, ओ भाई 130 तो ये पहुँच जा रही है, 125। एंड लेवल है भाई साहब बाइक को, ये एंड ही एकदम एंड लेवल, ऑसम पिकअप है इस बाइक का। तो जिसे कहते हैं एकदम हाई एंड पिकअप है, और बहुत ही हाई एंड पिकअप लग रहा है। एकदम मोनू भाई थोड़े पीछे रह गए, अच्छा आगे 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 आगे, चलो 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 आगे मोनू भाई आगे। अरे वो मोनू भाई नहीं है, मोनू भाई है हमारे। सो ये रे मोनू भाई, चलो 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 चलते हैं। फिर एक बार सोचते हैं कि स्पीड उड़ाई जाए, उड़ाने की सोचे नहीं यार, मोनू भाई फिर पीछे रह जाएंगे, वो भी बोलेंगे क्या भाई आप पूरी बाइक उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, ऐसा बोलेंगे तो ये कुछ वो बोलते नहीं हैं। सो अभी मैंने मोनू भाई से बात करी कि एक छोटा सा शूट, फोटो शूट भी करना था। सो कहाँ जगह मिलेगी जहाँ पे हम कर सकते हैं, सो देखते हैं। बाकी आगे थोड़ी सी थोड़ा सा आगे चलो, वहाँ पे जगह है, सो वहाँ पे शूट आउट हो जाएगा, वहाँ पे शूट आउट कर लेना। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ जाना है बता दो, कितना दूर रह गया, यही लोकेशन है, यहाँ बोल रहे हैं इस लोकेशन को, हाँ डन है डन है, इस लोकेशन को हो जाएगा। सो भाई ये नेक्स्ट लेवल बाइक है। सो अब गाइस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे पॉज। सो बाय बाय एंड गुड डे, बाय ऑफ ऑल ऑफ यू, बाय गाइस, बूम।